ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। छोटे छोटे बड़े ही प्यारे बच्चे इत्थे कवीशरी पेश कर रहे सन, भावे के उन्हां बच्चों ने अजे बहुती गुरबाणी इतिहास नूं अजे समझिया नहीं, बहुत छोटे ने, पर यही उम्र हुंदी है पकियाई दी, जदों साढ़े सुभाअ ने पकड़ना हुंदा है, जिहड़ियां आदतां असीं सिखदे हाँ वह जीवन के अंदर ढल जांदियां ने, यह एक वक्त हुंदा है। राती भाई साहब जी एक विचार पेश कर रहे सन दीवान दे विच कि रस्ते दे नाल नाल दरख्त लगाए जांदे ने, जिवें तुसीं इत्थे देखदे हो सड़कां दे नाल नाल दरख्त लगाए जांदे ने, पर जदों छोटा जिहा बूटा हुंदा है उस नूं बचाउण वास्ते किन्ना उपराला कीता जांदा है, वाड़ लाई जांदी है, जांगला लाया जांदा है, कादे वास्ते कि कोई जानवर ना उहनूं खा जावे, किधरे कोई उस बूटे की करुंबल नूं ना तोड़ दे, जिहड़ा उहने वधना फुलना उत्थे ही रुक जाएगा, पर ज्यों ज्यों वह बूटे की संभाल हुंदी है, पानी पाया जांदा, वाड़ लाई जांदी है, जदों दरख्त बन जांदा ते तुसीं इह देखिया होएगा कि वड्डे वड्डे जानवर उस दरख्त नाल आण के खह भी जाण तां उस दरख्त नूं कोई डुला नहीं सकदा। इत्थों तक कि इह नाल साड़िया जांदा है, लागे किन्नी अग की हनेरी झुलदी है, पर वह दरख्त उस सेक नूं सह के फिर भी सानू छां दिंदा है। ठीक इसे तरह ये छोटे छोटे बच्चे ने, जे इन्हां नूं अज तो ही असी वाड़ लावांगे इतिहास की गुरबाणी की मर्यादा की, जे इन्हां दी राखी की जाऊगी, जे इन्हां नूं इतिहास गुरबाणी की गुड़ती दिती जाएगी, तो वाकई जदों इन्हां जीवन के अंदर गुरबाणी के उपदेश नूं पक्किया कर लिया, दृढ़ कर लिया, फिर डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो, फिर कदे डावा डोल नहीं होणगे कि कदे किसी मड़ी ते चले गए, कबर ते चले गए, धागे तवीतां वालियां कोल चले गए, इन्हां दा केवल ते केवल जिहड़ा सीस है वह पंचम पातशाह जी दे दर ते ही झुकेगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे ही निमणगे। सो ये बच्चे बड़े होणहार होण, असी ये कामना करते हैं सतगुरु जी के चरणा पास अरदास बेनती है कि इस तरह जिहड़े बच्चे ने वो गुरबाणी इतिहास के नाल गुरु घर के नाल जुड़ते रहन, पंथ ते कौम की सेवा करते रहन। सिक्खी लहर के तहत अज के समागम आरंभ हो चुके ने, मैं संगतां की जानकारी इत दसना चाहता हाँ कि जिथे इस इलाके दीआं स्थानक संगतां इस समागम के शमूलीयत कर रही ने, हाजरियां लवा रही ने, उत्थे इंटरनेट माध्यम के राही असी एक छोटा जिहा उपराला किया है कि जिहड़े देश विदेश दे विच स्रोते हन वह इन्हां समागमां दे नाल जुड़ सकन। एक असी सिक्खी लहर रेडियो जिहड़ा कि इंटरनेट माध्यम राही 24 घंटे चलता है, उस राही लोग घरां विच अपने कंप्यूटर उत्ते जां लैपटॉप और मोबाइल दे उत्ते सिक्खी लहर रेडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस दीवान नूं लाइव सुन रहे ने, जां आप जी भी उस एप्लीकेशन नूं डाउनलोड करके 24 घंटे गुरमुख दीआं विचारां श्रवण कर सकदे हो। अज दे इस दीवान दे विच जिथे सत्कारयोग प्रिंसीपल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, वीर सुखविंदर सिंह जी गदेहर और भाई सरबजीत सिंह जी धुंदा, जिथे उन्होंने गुरमत दीआं विचारां आप जी दे नाल सांझियां करनियां, शब्द विचार की जानी है, उत्थे कुछ समां असी सवाल जवाब जिसनों विचार वटांदरा असी कहिंदे हाँ उहदे वास्ते भी रखिया गया है। आप जी दे मन विच गुरबाणी इतिहास जां सिख रहिब मर्यादा दे नाल संबंधित कोई सवाल, कोई बलबला, कोई शंका होवे, कोई किसी तरह की दुविधा होवे, किसी गुरबाणी की पंक्ति के अर्थ पुछने हो, आप जी अपना सवाल लिखती तौर पर साढ़े को इत्थे पहुँचा दिओ, असी इत्थे बैठे हुए हाँ, बाद विच जदों समा होएगा उन्हां सवालों के उत्ते इत्थे विचार पेश किए जाएंगे। सो मैं आप जी का बहुता समा ना लवां, हुण मैं बेनती करांगा सत्कारयोग प्रिंसीपल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज लुधियाणा, वह आप जी के नाल गुरमत विचारां दी सांझ करनगे। एक छोटा जिहा असी होर उपराला कीता, यह भी बेनती मैं नाल कर दिया कि नाल असी गुरमत साहित लैके आए हाँ, उहदे विच गुरबाणी दीआं पोथियां हन,
गुरबाणी के सटीक हैं, सिख इतिहास के नाल और सिख फिलासफी के नाल संबंधित बहुत सारिया पुस्तक साढ़े कोल हैं। भाई गुरदास जी की रचना जेकर आप जी ने ले जानी होवे तां उह वी उत्थों तुसीं ले जा सकते हो। जिहड़ियां किताबां हैं वह प्रिंट रेट तो भी घट रेट से दित्तियां जा रही ने, ते जिन्हें भी गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज के बुलाए हैं उन्हां दी आवाज दे विच वख-वख विशेयां दे उत्ते उत्थे सीडीज़ आडियो वीडियो वह भी मौजूद हैं। आप जी वह भी उत्थों असीं बेनती करांगे कि वध तों वध लैके जाओ ताकि गाहे बगाहे असीं गुरबाणी नूं पढ़ सुण ते लगातार विचारदे रहिए ताकि साडे जीवन दे अंदर जिहड़ा है वह बदलाव आ सके। सो आओ हुण सत्कारयोग प्रिंसीपल ज्ञानी गुरबचन सिंह जी थाईलैंड वाले उन्हां पासों सतगुरु जी के बचना की विचार श्रवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।